क्रीमिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ रशिया आफ्टर एनेक्सेशन. ही वॉन्ट्स अ लैंड रूट टू बी डेवलप्ड फ्रॉम क्रीमिया टू खेरसन, डीपीआर, एलपीआर, दैट मैरीपोल, डीपीआर, एलपीआर, खारकीव एंड टू रशिया. उसे ये पर्टिकुलर लैंड रूट चाहिए जिसका फायदा ये होगा, ही विल गेट अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन सी ऑफ एजोव. तो एजोव सी पे कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा तो रशिया के लिए वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा. करेक्ट. एट द सेम टाइम व्हेन ही टेक्स कंट्रोल ऑफ खेरसन, उसे ओडिशा में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसे खेरसन मिलेगा तो भी बहुत है. Why? Because when he gets control on Kherson, so that means Black Sea pe, he gets control from both the sides, from Crimea as well as from Kherson. आप सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार. बेसिकली टॉपिक है व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन यूक्रेन. Because there are so many things which are being reported in media, and the most common things which are being reported are that Russia is losing in Ukraine, Putin has made a big blunder by invading Ukraine, President Zelensky of Ukraine has been compared with Winston Churchill of Second World War, his leadership is being compared to Winston Churchill. The way he is fighting back and the way Ukraine has been able to hold back Russia. And the most common narrative in everything is basically commonly saying Russia is losing in Ukraine. So is it exactly happening so? Ye matter kahan se shuru hua? Ab dekhiye, Ukraine was previously part of old USSR. Then when USSR was disintegrated and it was divided in different countries, तो उसके बाद भी रशिया के अपने रशियन ब्लॉक में जितने पहले के स्टेट्स थे, now which have become independent countries, सबके साथ relations बहुत अच्छे थे. And so, Russia had good relationship with Ukraine also. Ukraine always had a government which was pro-Russia. लेकिन फिर आपको तो पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इफ देयर हैव बीन एनी प्रॉब्लम्स द मेन रूट इज ऑलवेज यूएस. नाउ लेट मी बी क्लियर इन दिस एंटायर एड्रेस ऑफ माइन, डोंट थिंक दैट आई एम प्रो रशिया और एंटी यूएस. मैं भारत से हूं और भारत को ना यूएस से दुश्मनी है ना रशिया से दुश्मनी है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्ट्स. तो एनालिटिकली अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हुए उसकी जड़ है यूएस. फिर आप सीरिया की बात करो, आप इराक की बात करो, आप वियतनाम की बात करो, आप वेनेजुएला की बात करो, आप मेक्सिको की बात करो. यू जस्ट नेम द प्रॉब्लम एंड द रूट कॉज इज ऑलवेज इन यूएस. सो द सेम थिंग हैपेंड. यूएस स्टार्टेड फ्यूएलिंग सम प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रो रशियन गवर्नमेंट in 2014. Okay, now Ukrainian government made the mistake that they used the force against the peaceful protesters. Ab yahan pe ho sakta hai aapko thoda sa resemblance milega with the latest farm protest in Bharat. Bahut baar ye social media pe charcha chalti thi ki 303 ki itni brute majority hone ke bawajood apne 56 inch wale Modi ji उनके ऊपर फोर्स क्यों नहीं यूज करते, वो फोर्स क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज द स्मॉल मैटर शुड नॉट बी एस्केलेटेड एंड द मिसक्रिएंट शुड बी गिवन चांस टू रिटेलिएट विद वायलेंस विच कैन स्प्रेड ऑल ओवर द नेशन. एंड एग्जैक्टली यही मिस्टेक 2014 में यूक्रेन ने की थी. द प्रो रशियन गवर्नमेंट इन यूक्रेन दे यूज्ड फोर्स अगेंस्ट द पीसफुल प्रोटेस्टर्स. नतीजा यह हो गया, इट ended up in civil riots, things went bad, and the pro-Russian government had to resign. And now the next government which came in place was obviously backed by US. So US was successful in its plan in getting pro-US
गवर्नमेंट टेकिंग ओवर यूक्रेन। अब ये बात प्यूटिन को हजम होने वाली थी नहीं। सो नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज इन रेजिम, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज पर्टिकुलर सिविल राइट्स, प्यूटिन ने ही एनेक्स्ड क्रीमिया इन ऑन 20th फेब्रुआरी 2014। सो ही एनेक्स्ड क्रीमिया, ही डिडंट गेट क्रीमिया सेपरेटेड फ्रॉम यूक्रेन, ही एनेक्स्ड इट, सो मेड इट अ पार्ट ऑफ रशिया। मैटर गॉट एस्केलेटेड, चलता रहा, यूएस इम्पोज सैंक्शंस, ईयू इम्पोज सैंक्शंस, सैंक्शंस इम्पोज करना तो उनकी एक पुरानी आदत है, करेक्ट। तो वो होने के बाद नतीजा ये हो गया दैट प्यूटिन ही डिडंट बश टू सैंक्शंस, द मैटर वॉज एस्केलेटेड टू नेक्स्ट लेवल एंड बिफोर इट टर्न्स इनटू अ वॉर, बेलारूस में विच इज अ फ्रेंडली कंट्री ऑफ रशिया, वहां पे मिंस एग्रीमेंट साइन हुई। दैट मिंस एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन रशिया, यूक्रेन, ईयू एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ DPR and LPR, which are another two regions, which are disputed regions. अब यहां पे मजा देखिए, DPR and LPR are actually states of Russia. States of Ukraine. लेकिन they were made a party to this particular agreement. तो आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या होता है? Geopolitics में इसका मतलब ये होता है that in spite of these two being the states of Ukraine, if they are signing the agreement, this means agreement, so that means indirectly Ukraine is giving permission to say that these two are disputed regions and cannot be said to be the integrated parts of Ukraine. So matlab Ukraine ne apne pair pe kulhadi tabhi maar li, and that was the first victory of Putin. कि आफ्टर यू आफ्टर क्रीमिया ही मेड डीपीआर एंड एलपीआर विच इज नोन एज डॉनबास रीजन, ओके, अ डिस्प्यूटेड रीजन। अगर आपको इसे अपने कश्मीर इशू के साथ अगर कनेक्ट करना होगा तो आप कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई पीएम मोदी वेंट फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बिकॉज आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नाउ कश्मीर हैज बिकम इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ भारत, and that means now it is no more a disputed region, and through diplomacy we got it admitted from the entire world that Jammu and Kashmir, Ladakh are integrated part of Bharat. So what Modi ji did right now for Bharat, Putin did it in opposite manner in 2014 by giving DPR and LPR the disputed status. Jo disputed nahi tha unhone use disputed banaya. So that was his first game plan. After that, Putin ka policy was always DPR and LPR mein the pro-Russian jo groups the, jine rebels bolte the wo log, unhe support karte rehna. And through that particular support, he created problems in DPR and LPR continuously, but it was treated as Ukraine's internal matter. So Russia was not directly involved, but indirectly involved. Ab, after some years, a comedian took over Ukraine government. And you know which comedian I'm referring to? He is known as President Zelensky. Comedian by profession, part-time politician. And I don't know why, but he was always on cloud nine because he was supported by US and EU. So he made the first wrong move. That is, he wanted to get NATO membership. Putin would have tolerated anything. He would have tolerated flirting. He would have tolerated flirting. Ukraine flirting with US and EU, but not getting married with US and EU by getting NATO membership. Putin never objected Ukraine getting EU membership because understand the difference. EU is an economic body. इट्स एन इकोनॉमिक काउंसिल, तो वहां पे बात होती है ट्रेड की, वहां पे बात होती है व्यापार की, वहां पे बात होती है ओवरऑल इकोनॉमी की। बट नैटो इज अ मिलिट्री अलायंस, एंड इफ यूक्रेन इज मेड पार्ट ऑफ नैटो, नतीजा ये होगा दैट नाउ यूक्रेन विल बी फोर्स टू अप्लाई और अपॉइंट द नैटो फोर्सेस इन यूक्रेन, एंड वंस द नैटो फोर्सेस एंटर इन यूक्रेन, दैट मीन्स US forces enter in Ukraine,
और इसका मतलब यूएस रीच डायरेक्टली टू द बॉर्डर ऑफ रशिया विच वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई प्यूटिन एट ऑल. सो हिज कंडीशन वॉज दैट बेसिकली यूक्रेन शुड ड्रॉप द डिमांड ऑफ ज्वाइनिंग नैटो और एल्स, अगर ये कॉमेडियन नहीं समझता तो नैटो शुड आउटराइटली रिजेक्ट एडमिशन टू यूक्रेन एज नैटो मेंबर. एंड दिस इज वेयर आपने अगर देखा रहेगा टिल 2021 दिस मैटर वॉज नॉट एस्कलेटेड. इट स्टार्टेड एस्कलेटिंग ओनली आफ्टर जैन 2021. Are you getting the point why I'm emphasizing on Jan 2021? The reason is that on 4 Jan 2021, President Biden became the president and he took over the charge as US president. Till that time, President Donald Trump, jinhe puri duniya ne humiliate kiya, jinhe puri duniya ne bewakoof samjha, kyunki media ne waise narrative set kiye the, that particular President Trump at that particular point of time, Ukraine tabhi bhi NATO membership mang rahi thi, but Trump never gave a positive response. So Putin was content, but as soon as Biden took over, he started dwindling with the policies. Kabhi haan, kabhi na, kabhi haan, kabhi na. Lagta hai unhone Shah Rukh Khan ki picture dekhi thi, kabhi haan, kabhi na. To wo hisab se inka roj alag stand hota tha. Okay, fine, we can admit Ukraine as NATO member. Okay, we don't need to admit Ukraine as NATO member. भैया क्या चल क्या रहा है. प्यूटिन वॉज जस्ट आस्किंग फॉर वन स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, इधर नो फ्रॉम यूक्रेन और नो फ्रॉम यूएस. इधर नैटो सेज वी वॉन्ट एडमिट यूक्रेन एज नैटो मेंबर और यूक्रेन सेज दैट वी वॉन्ट टेक नैटो मेंबरशिप एंड नन ऑफ इट हैपेंड, नन ऑफ इट हैपेंड. सो प्यूटिन स्टार्टेड हिज गेम, ही एस्कलेटेड द अनरेस्ट इन डीपीआर एंड एलपीआर. So that unrest was taken to the next level. Now, एक बार ये NATO के ऊपर से dwindling चालू हो गया, Now, next step was Putin started creating rift between NATO members. अब कुछ भी हो जाए तो US की धमकियां एक ही होती है, we will impose sanctions. If US imposes sanctions, if EU imposes sanctions on Russia, natija kya hone wala hai? Natija ye hoga that gas supply and the imports of EU from Russia are going to get affected. And remember, EU depends on Russian oil and gas to the extent of 70% of their energy needs. Biden bhai sab bol rahe the, don't worry, you stop the imports of gas and oil from Russia, US will replace it. अरे US का production कितना है? US का production of gas and oil is definitely not as much as Russia. Secondly, considering the logistical cost as well as considering the production cost, this particular gas and oil would have been very costly for EU. So now this started creating problems within EU and within NATO. The first country to raise voice against it was Germany. Because of this particular Ukraine conflict, or you can say this particular disputed matter right now, which was going on, because of that, what was happening? That Nord Stream 2 project, as per which Russia was supposed to deliver gas directly to Germany, that particular pipeline was not getting confirmed. US was not ready to give permission to Nord Stream project 2. And now on the top of it, this particular Ukraine matter. So what happens? So overall, it so happened that Germany started feeling the pressure from within the inside the country. Right now, agar hum log baat karenge, to Germany ki halat itni khasta hai, ki wahan pe Germany, the chancellor, he has to make an appeal to the people, ki bhaiya, ab four wheelers mat chalao, two wheelers chalao. अब अगर कितनी भी ठंड रहेगी, हीटर ऑन मत करो, थोड़ी ठंड सहन कर लो, इट्स गुड फॉर योर बॉडी. तो फ्रॉम बीइंग एन इकोनॉमिक पावर, नाउ दे हैव बिकम अ मेडिकल काउंसिलर. ये नौबत आने वाली है, जर्मनी न्यू दैट. सो जर्मनी एंड फ्रांस, दे बोथ वर द फर्स्ट कंट्रीज टू डिक्लेयर दैट इट इज नॉट करेक्ट फॉर नैटो टू एडमिट यूक्रेन एज अ नैटो मेंबर.
And this was a big setback for President Biden. France and Germany are not such countries which can be ignored. They are the backbone in that particular NATO. आप अगर नेटो की बात करेंगे तो नेटो में फोर मेजर कंट्रीज कौन से आते हैं? यूएस, यूके, जर्मनी एंड फ्रांस. अब उसमें से अगर जर्मनी और फ्रांस अगर बोलते हैं कि दैट इट इज नॉट करेक्ट टू एडमिट यूक्रेन एज नेटो मेंबर, तो दैट मींस 50% पावर इज शिफ्टेड. अब ये जब उन्होंने डिक्लेयर किया, द क्रैक्स इन नेटो स्टार्टेड बिकमिंग वेरी वाइड, और दैट वॉज द टारगेट, द फर्स्ट टारगेट ऑफ प्रेसिडेंट पुटिन. He first wanted to disintegrate NATO by spreading the discontent between the members and the disputes within themselves. And this was the second victory to Putin on diplomatic front. The first victory was at Minsk agreement when he got that Crimea annexed to Russia. And second victory now, that is when the NATO members, they got divided over this issue that whether Ukraine should be admitted or not. And when when France and Germany, they put their best foot forward saying that we won't allow Ukraine as a NATO member, natija ye ho gaya, Biden also had to declare that US won't be sending troops or NATO troops to Ukraine. So that means Ukraine was left on its own. अब इसके बाद गेम ये चलता रहा कि हम आपको हथियार देंगे, हम आपको आर्म्स देंगे, हम आपको मेडिसिन देंगे. भैया देंगे मतलब फ्री में नहीं देंगे, उसके बदले पैसे लेंगे. सो दिस वॉज अ गेम ऑफ दैट आर्म्स लॉबी, ऑयल लॉबी एज वेल एज फार्मा लॉबी, कि अपना धंधा चलते रहना चाहिए. दुनिया में अगर कहीं वॉर नहीं हो तो इनका धंधा चलेगा कैसे? So, ये गेम चलता रहा. नाउ इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, नाउ वंस जर्मनी एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड नो मेंबरशिप टू यूक्रेन, सो नाउ नो सेंडिंग ट्रूप्स ऑफ नेटो और यूएस ट्रूप्स टू यूक्रेन, यूक्रेन लेफ्ट ऑन इट्स ओन. अब ऐसे वक्त पे इफ प्यूटिन वॉन्टेड ही वुड हैव अटैक्ड यूक्रेन, लेकिन उल्टा उन्होंने क्या किया? प्यूटिन इज अ मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम. इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दैट यूक्रेन विच इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, ही स्टार्टेड विथड्रॉइंग हिज ट्रूप्स फ्रॉम बेलारूस एज वेल एज फ्रॉम यूक्रेनियन बॉर्डर. ओवरऑल अराउंड 130,000 ट्रूप्स वर ऑलरेडी डिप्लॉयड ऑन यूक्रेनियन रशिया यूक्रेन बॉर्डर एज वेल एज बेलारूस. ही स्टार्टेड विथड्रॉइंग दोज पर्टिकुलर ट्रूप्स. So Biden was confused even to the next extent. कि भैया हो क्या रहा है? हमें तो लग रहा था कि भैया ये अटैक करेंगे, ये तो विदड्रॉ कर रहे. उसके बाद अगर आपको याद रहेगा तो एक गेम ऐसा शुरू हुआ कि रोज उठ के बाइडेन एक नई डेट देता था, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन. एक बार तो प्यूटिन ने उनको इतना ट्रोल किया ये बोल के कि भैया मैं रशिया का प्रेसिडेंट हूं, मुझे नहीं पता मैं कब इन्वेड करने वाला हूं, और ये कहां से रोज नए नए डेट्स निकाल के लाते. एनीवेज, लेकिन अब अगर आप इतना मान ही रहे हो कि रशिया यूक्रेन में इन्वेड करेगा, तो चलो आपकी ही इज्जत रखते हैं. आफ्टर विड्रॉइंग दीज पर्टिकुलर ट्रूप्स, देन वन फाइन डे सडनली ऑन 24th फेब रशियन आर्मी एंटर्ड यूक्रेन. तो पहले आर्मी डिप्लॉय करो, फिर उसके बाद विथड्रॉ करो, और फिर अचानक से उसे एंटर कराओ. सो ऑन 24th फेब 2022 रशियन आर्मी ऑफिशियली एंटर्ड यूक्रेन. एंड रिमेंबर एक बात कंप्लीटली क्लियर समझ लीजिए, थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सेशन मैं कहीं भी रशिया यूक्रेन वॉर वर्ड यूज नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉर. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट इन
defense language, war is something different. मैं आपको सिर्फ categories बताता हूं. There is something called skirmish. बस एक थोड़ा बहुत नोकझोंक, जैसे गालवान में हुई थी भारत और चाइना की. देर इज समथिंग कॉल्ड मिलिट्री ऑफेंसिव एंड देर इज समथिंग कॉल्ड मिलिट्री डिफेंसिव. मिलिट्री डिफेंसिव जैसे अपने करगिल में हुआ था, जब पाकिस्तान ने उनके सोल्जर्स और उनके आतंकवादी जब यहां पे भेजे थे तो हमने उनका सफाया किया था. दैट वॉज मिलिट्री डिफेंसिव बिकॉज वी वर नॉट क्रॉसिंग द बॉर्डर. देन देर इज समथिंग कॉल्ड मिलिट्री ऑफेंसिव जो राइट नाउ रशिया ने यूक्रेन में किया है. Why it is called military offensive? Because Russia has crossed the border and has entered Ukraine. But that is with the purpose of defending Russian border rather than acquiring Ukraine. So take these points straight right from now that target of Putin is never to take over Ukraine completely. No, he doesn't want to take over Ukraine completely. Uska kya target hai? Ab baad mein jab apna lecture chalega, jab speech chalega, tabhi aap pata kar lijiye. You'll come to know that. थोड़ा सा सस्पेंस मुझे अभी रखने दीजिए. But right now, he has entered Ukraine to defend his own borders. So that is military offensive. Then comes war when there is retaliation from both the sides. And then comes the world war when more than two countries are involved. Right now, what Russia was doing or is doing, what Russia did on 24th February 2022 was military offensive. और उसके बाद अब जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे, today is the 52nd day of offensive. आप जरा सोचिए, इतना सा यूक्रेन, इतना बड़ा रशिया, वो कॉमेडियन ज़ेलेंस्की और ये प्रेसिडेंट प्यूटिन, एक्स केजीबी एजेंट एंड नॉट ओनली एजेंट, द रिक्रूटर एज वेल एज द प्लानर एज वेल एज द एग्जीक्यूटर. ना आईक्यू मैच होती है, ना मिलिट्री पावर मैच होती है. तो 52 डेज अभी तक प्यूटिन हैज नॉट बीन एबल टू टेक ओवर यूक्रेन. बस वेस्टर्न मीडिया को नैरेटिव सेट करने का टाइम कब का मिल चुका था. एंड देन दे स्टार्टेड अ नैरेटिव. Narrative was Putin has lost. As I said, Russia is losing in Ukraine. It was the biggest mistake of Putin to invade Ukraine. They say invade Ukraine. I won't say invade Ukraine. What did I say? Military offensive. Then, as I said before, Zelensky is next with Winston Churchill. Correct? Then Putin is going to be meeting the fate of Hitler. Jaise wo haar gaya tha, waise ye haarega. Blah, 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 blah. So now the question comes, exactly क्या हो रहा है, exactly क्या हो रहा है, which is not brought in front of you by the Western media and भारत की मीडिया को. मैं मीडिया नहीं, सर्कस बोलता हूं, बिकॉज इनका काम इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक ही होता है, कहीं से कुछ उठा के लाना और यहां पे चिपका देना, बात खत्म. भारत की मीडिया का अगर बस चलता तो अभी तक वो प्यूटिन से दो चार एटम बॉम्ब गिरा चुके होते. भारत के मीडिया का बस चलता तो अभी तक वर्ल्ड वॉर होके पूरा वर्ल्ड खत्म भी हो चुका होता. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट भारत मीडिया, लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न मीडिया. अब वेस्टर्न मीडिया मतलब कौन से? अपने ग्रेट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हफिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, IBN. भैया ये कौन से लॉबी के लिए काम करते हैं ये सबको पता है. सो यू कैन इमेजिन वॉट इज बींग ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड नाउ लेट मी टेल यू वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन यूक्रेन on ground. Okay, so first important thing, within first 24 hours, and whatever I am saying right now, it has been corroborated, it has been already authenticated by ex CIA agent Larry Johnson also. Okay, so first important thing, within first 24 hours of starting the offensive, first thing what Russia did was Russia destroyed Ukrainian ground radar interception capabilities. So ground radar interception capabilities were wiped out. So that means
यूक्रेन एयरफोर्स लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डू एयर टू एयर इंटरसेप्शन. Second thing what they did, within next 48 hours, they attacked and destroyed NATO radars through cyber attacks. They destroyed the NATO radar system with cyber attacks. So that means now Ukraine becomes a sitting duck. It has become a sitting duck. अब इनके पास ग्राउंड टू एयर इतना ही एक ऑफेंसिव बचा हुआ है, एक ऑप्शन बचा हुआ है. एयर टू एयर इज आउट ऑफ क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट थिंग, आप जरा स्पीड देखिए. रशियन फोर्सेस केम विद इन द विसिनिटी ऑफ कीव, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, विद इन 3 days. विद इन 3 days. सो यू कैन इमेजिन द स्पीड एट विच दे मस्ट हैव मूव्ड अहेड. And also you can imagine that why they were not stopped by Ukraine, or why Ukraine was not able to stop that particular speed. अब आप सोचिए कि आपको वेस्टर्न मीडिया जो यूक्रेन की ताकत बताती है और एक्चुअल रिजल्ट, इसमें कितना फर्क पड़ रहा है. सो रशियन फोर्सेस रीच्ड विद इन द विसिनिटी ऑफ 40 miles, जस्ट 40 miles फ्रॉम कीव. ये इतना बड़ा काफिला था, हो सकता है अपने बीच में सोशल मीडिया पे अगर उसके फोटो भी देखे रहेंगे. इट वॉज अराउंड 24 किलोमीटर लॉन्ग, इतना बड़ा वो काफिला था, द ट्रक्स, द टैंक्स, एवरीथिंग. सो यू कैन इमेजिन 40 miles फ्रॉम कीव, 24 किलोमीटर लॉन्ग, इतना बड़ा उनका ये काफिला. अगर यूक्रेन की कैपेसिटी थी तो व्हाई डिडंट दे अटैक देम. भाई किसी पहले जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज इंट्रोड्यूस्ड गोरिला वॉरफेयर, एम आई राइट? व्हाट इज गोरिला वॉरफेयर अगर आपको नहीं पता रहेगा, चलो ठीक है, तानाजी करके पिक्चर आई थी अजय देवगन की, वो तो आपने देखी होगी. कि जब कहीं से कोई ट्रूप जा रहा है, जब कहीं से कभी कोई आर्मी की मूवमेंट हो रही है, तो अचानक से आके हमला करो, डिस्ट्रॉय करो, भाग जाओ. अब यूक्रेन आपकी ग्राउंड है, आपकी टोपोग्राफी है, आपका रीजन है, यू नो इन एंड आउट. गूगल ने रशिया को सब कुछ मदद करना बंद कर दिया, सो गूगल इमेजेस आर नॉट अवेलेबल. तो मतलब इन दैट केस इतना बड़ा काफिला, इट वॉज वेरी इजी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट. क्या यूक्रेन ने किया? नहीं. तो इसका मतलब यूक्रेन की वो कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी विद इन द फर्स्ट 72 hours. रशिया का वो स्पीड था व्हेन दे स्टार्टेड ऑफेंसिव. ओके, अब वो होने के बाद नेक्स्ट थिंग टू टारगेट, रशिया स्टार्टेड टारगेटिंग द की सिटीज एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऑफ यूक्रेन. सिविलियन एरियाज वर नॉट द टारगेट्स. सिविलियन एरियाज में अगर कुछ बॉम्बिंग हुई है, अगर कुछ मिसाइल्स पड़े हैं, सो दैट इज टेकन एज द कोलैटरल डैमेज, नॉट अ टारगेट्स. मैं कहीं भी प्यूटिन को यह क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, रशिया को यह क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं कि सिविलियंस हैवन डाइड. दे मस्ट हैव डाइड, बट दिस इज कोलैटरल डैमेज. The targets were the military installations. And in fact, आपने शायद ये न्यूज भी पढ़े होंगे that whenever Russia was targeting any military installations, they used to issue advisory at least 12 hours in advance that civilians please vacate the area, we are going to target this and this installation within next 12 hours. Correct? So, next target was the military installations and the important cities. We haven't seen a single news. अगर आपने देखा रहेगा ध्यान से, we haven't seen a single news of Ukrainian regiments attacking or defeating Russian attack. You have been hearing the news, and very correct news, that Ukrainian soldiers are very well defending themselves. They are trying their level best to defend the country, and hats off to them for their courage. If the president is a comedian, that doesn't mean that the military is full of comedians. No. Ukrainian military is hardcore military, well-trained, nationalist. They are trying their level best, but they are not attacking. They are not attacking. There is a difference. They would have attacked if they would have been in a dominant position.
but they are only defending. That means Russia is going strong in their offensive. अब ये होने के बाद, now slowly and steadily, Russia started consolidating control on Mariupol. ठीक है? So now, after targeting the military installations and all, now Russia started consolidating control on Mariupol. Mariupol is one thing which has got approach to the Black Sea. तो in that case, जब Mariupol पे control इन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ब्लैक सी पे कंट्रोल रशिया का एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया. आज की पोजीशन यह है दैट रशिया हैज एक्चुअली डिवाइडेड यूक्रेन इन नॉर्दर्न पार्ट वर्सेस सदर्न पार्ट. यूक्रेन हैज बीन राइट नाउ डिवाइडेड इन नॉर्थ वर्सेस साउथ पार्ट. फिर जब इनिशियली जब यह डिस्ट्रक्शन देखा, उसके बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, he showed the willingness to come to the table for the negotiations. फिर उसके बाद negotiations के राउंड चालू हो गए. You must have seen that already 4 rounds have already been done. कोई constructive progress दिख नहीं रही है, लेकिन जब fourth round हुई और उसके बाद काफी positive results दिखने लगे, कि यहां तक कि ज़ेलेंस्की, he started saying that I want to sit with Putin to discuss the negotiations. Because that is the only way how this particular matter can be solved. For that, he showed the willingness that Crimea ka annexation, we will agree. DPR, LPR, we will discuss. Ukraine will not take NATO membership. Bhaiya, yahi to bola tha pehle se aapko. He don't take NATO membership, but nahi. Ab itna destruction, after so much of destruction to your wealth, your country's wealth, as well as most importantly, civilian life. इतने डिस्ट्रक्शन के बाद अगर आपको ये पॉइंट पे आना है कि ओके फाइन वी वोंट टेक द नेटो मेंबरशिप, तो भैया पहले क्या बोला था, वही तो बोला था, बट नहीं. सो एनीवेज, आफ्टर दिस फोर्थ राउंड जब ज़ेलेंस्की के ये स्टेटमेंट्स आने लगे, जब ये विलिंगनेस दिखने लगा, देन यूक्रेन गेव अ रिटर्न प्रपोजल टू रशिया. तो उसके बाद इन गुडविल गेस्चर रशिया स्टार्टेड विदड्रॉइंग ट्रूप्स फ्रॉम कीव. तो आप सोचिए, जरा सोचिए, 40 माइल्स पे है वो कीव से, दैट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन. ओके, 40 माइल्स. अगर चाहते तो क्या रशिया तभी कीव पे अटैक नहीं करती? क्या सिर्फ मिसाइल्स खेलते रहते? दो चार मिसाइल दागे, आराम कर दिया, फिर दो चार मिसाइल दागे, आराम कर दिया, घुस जाते. दे वुड हैव एंटर्ड कीव इफ दे वॉन्टेड टू. Secondly, at the same time, as I said, that since the ground interception and the air interception capabilities are destroyed already, natija, agar Russia apni air force use karti, who would have countered that? And in that particular case, fall of Kyiv wouldn't have taken time. But still, Russia was not entering Kyiv. And in fact, after fourth round of negotiation, as a goodwill gesture, Putin started withdrawing troops from Kyiv. अब यहां पे बाइडेन भाई साहब और हैरान परेशान कि ये बंदा कर क्या रहा है, इतने दिन से क्यू के आजू बाजू में आके बैठा है और अब विदड्रॉ क्यों कर रहे हैं. सो डज ही रियली वॉन्ट टू सॉल्व द मैटर? एंड यूएस डजंट वॉन्ट द मैटर टू बी सॉल्व, बिकॉज अदरवाइज उनका धंधा बंद हो जाएगा. तो बाइडेन भाई साहब रोज उठ के, अब मैं 700 मिलियन की हेल्प दूंगा, मैं 800 मिलियन की हेल्प दूंगा. इन द मीन टाइम वॉट वॉज हैपनिंग? Because of this particular entire conflict, now European Union nations, they started feeling the heat. Heat not militarily, but economically. Gas prices, oil prices. Literally, aaj Spain is witnessing inflation at 9.1%. Germany is facing inflation around 8%. फ्रांस बेचारा कब से चुप बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी असर उधर तक भी पहुंचा है. बट फ्रांस इज नॉट एज बैड, लाइक देयर पोजीशन इज नॉट एज बैड एज दीज अदर कंट्रीज, बिकॉज फ्रांस हैज ऑलरेडी शिफ्टेड टू न्यूक्लियर एनर्जी लॉन्ग टाइम बैक. सो दे आर नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस और रशियन एनर्जी, बट दैट इज नॉट अ केस विद अदर कंट्रीज. अभी आज राइट नाउ वो कंट्रीज कितना भी बोले कि नहीं, वी विल रिप्लेस रशियन गैस दिस एंड दैट,
take it from me, for at least next 5 years, it's not possible. At least for next 5 years, EU has to be dependent on Russian gas and energy. फिर आप जब sanctions डाल रहे हो, तो भैया उधर Putin भाई साहब ने भी अपने policies change किए. Fine, आप sanctions डालो, you remove us out of the SWIFT का scheme, that particular procedure, कोई problem नहीं. I'll start taking the payment in rubles. Now, unless you pay me for pay me in rubles, I won't give you gas, I won't give you Russian oil. तो अब ये matter पे बीच में फिर हंगेरी में इलेक्शंस हुए. हंगेरी में जो वापस प्रेसिडेंट आए, ही इज टोटली प्रो रशियन. सो ही इज डायरेक्टली सेड, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ नाटो ट्रूप्स का मूवमेंट और व्हाटएवर से नाटो का जो आर्म्स एंड एम्युनिशन का मूवमेंट टू यूक्रेन फ्रॉम आवर लैंड. द सेम थिंग वॉज फॉलोड बाय डेनमार्क, दे ऑल्सो रिफ्यूज्ड. फिर धीरे धीरे करके एक एक कंट्री अपना जो कुछ भी जोश था, जो उनका यूफोरिया था, एंड the pressure of US, slowly and steadily they started coming out of it. Or in the meantime, this both negotiation, after that Putin ne, as a goodwill gesture, he withdrew his troops from Kyiv. But did he stop the offensive? Answer is no. He clearly said that I am going to reduce the intensity of attacks on Kyiv, but I won't stop the offensive till the target is achieved. And the target was never Kyiv. It was never Kyiv. Target was different. He withdrew his troops from Kyiv, and at the same time, the movement of troops started to other regions. Kherson is already taken over, as good as taken over by Russia. The Ukrainian forces in Kherson are destroyed. It's as good as taken over by Russia. Russian Black Sea Fleet Navy, they launched massive assault on Ukrainian coastlines near Odessa. Odessa has faced tremendous destruction. At the same time, the other coastal line, that was Mariupol. So the attacks have increased in Mariupol as well as Odessa. At the same time, Russian troops have landed in Odessa, and other troops have already crossed the border to enter Kharkiv. So which all names you have to remember before you seeing the map after some time? One was Kherson, Odessa, third is Mariupol, and fourth is Kharkiv. Okay? Now, Mariupol trade port, which is at Azov Sea, Mariupol trade port, which is at Azov Sea, has already been taken over by Russia. That particular port has been taken over, Mariupol trade port has been taken over by Russia under complete control. All Ukrainian army units are blocked in Mariupol. So they don't have a way out. They just have to defend, either surrender or die. And that's why you must have heard about some reports that nearly around 3,000 Ukrainian troops surrendering, 1,000 Ukrainian troops surrendering, because they are not left with any choice. They are completely blocked. At the same time, the unrest has gone to the next ultimate level in the regions of DPR and LPR. The pro-Russian regions, jinhe Russia ka part banna hai, because that has got majority Russian population. Aur jaise maine apne is speech ke starting mein aapko kaha tha, ki wahi pe unrest shuru karke Putin started with his game. Wahi se unrest shuru hui thi. और अब वहां पे वो अनरेस्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, बिकॉज नाउ दे आर बीइंग असिस्टेड बाय द रशियन फोर्सेस. ओके, एज ऑन टुडे डीपीआर हैज लिबरेटेड इटसेल्फ टू द एक्सटेंट ऑफ 93%. 93% ऑफ डीपीआर टेरिटरी हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम यूक्रेनियन कंट्रोल. अराउंड 80% ऑफ एलपीआर टेरिटरी
has been liberated from Ukrainian control. So 93% DPR, 80% LPR is already under Russian control now. जरा सोचना, प्यूटिन का टारगेट क्या था? प्यूटिन का टारगेट, as I have been saying since long, it was never taking over Ukraine. Right from beginning, Putin had said that I don't want to take over Ukraine. Ukraine should be a demilitarized state which never becomes part of NATO. तो मुझे यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है. That means they should not be left with any weapons. इसके लिए कल अगर suppose कोई country यूक्रेन पे attack करती है, so they have every right to defend themselves. But since I want them to be demilitarized, so at that time how will they fight that particular country or that particular war? कि कल अगर suppose मेरा ही मन बदलता है और मैं अगर suppose attack करता हूँ, मैं अगर खुद अटैक करता हूं, तो उस वक्त यूक्रेन को कौन बचाएगा? सो देयरफॉर इफ यूक्रेन वांट्स टू टेक एनी सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम एनी कंट्री, इट्स ओके, आई एम रेडी फॉर दैट आल्सो. व्हाट इज सिक्योरिटी गारंटी? दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज कि अगर एक कंट्री पे किसी ने हमला किया, सो दैट अदर कंट्री विल कम एंड प्रोटेक्ट इट. जैसे हमने भूटान के साथ किया हुआ है कि भूटान को भारत का संरक्षण है. और इसीलिए डोकलाम में जब प्रॉब्लम हुआ था, when Chinese troops had tried to attack Bhutan, they had tried to enter Bhutan, tabhi apni army jaake wahan khadi hui thi. Kyun? Because we are bound by an agreement. Kal agar suppose North Korea pe koi attack karta hai, agar suppose koi North Korea pe attack karta hai, to in that case, China has an agreement with North Korea that it will defend North Korea. Aise security arrangements agar Ukraine ko kisi ke saath karne hain, Putin said, I'm okay to that also. Right? तो ये जो बातें हो रही थी, यूक्रेन टेकिंग ओवर यूक्रेन वॉज नेवर टारगेट ऑफ प्यूटिन, नेवर. अब उनका टारगेट क्या था मैं आपको बताता हूं. अब जरा मैप ध्यान से देखिए, मैंने जो जो नाम मेंशन किए थे, टेक अ क्लोज लुक. वेयर इज खार्किव? खार्किव इज on the northern side of Ukraine, bordering Russia, right? ये जो Luhansk करके आपको दिखता है, that is LPR. ये जो Donetsk करके आपको दिखता है, that is DPR. Together, this particular portion is called Donbas region. जब Donbas सुनते हो, this is that region. उसके बाद ये जो Zaporizhia करके जो है, Mariupol is located over there. उसके बाद आता है क्रीमिया, which is already annexed to Russia. जरा ऊपर देखिए, you can see Kherson, right? And now see next to that particular Kherson, बीच में है Black Sea, उसके बाद है Odisha. अब जरा आप सोचिए, ये गेम क्या चल रहा है और प्यूटिन भाई साहब का टारगेट क्या है. क्रीमिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ रशिया आफ्टर एनेक्सेशन. नाउ ही वॉन्ट्स टू डेवलप अ लैंड रूट फ्रॉम क्रीमिया टू रशिया. दैट लैंड रूट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू सी क्रीमिया के यहां से अगर आप देखोगे, तो क्रीमिया के ईस्ट साइड पे देखिए, ईस्ट साइड में देयर इज सी ऑफ एजोव, एजोव सी जो मैंने अभी मेंशन किया था. उसके बाद साइड में आता है आपका रशिया, वहां पे लैंड रूट नहीं हो सकता. और वहां पे बेसिकली रशिया को लैंड रूट चाहिए भी नहीं, बिकॉज इट इज वेरी नियर बाय जस्ट क्रॉसिंग ओवर दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ सी. सो दैट्स नॉट एन इश्यू. ही वॉन्ट्स अ लैंड रूट टू बी डेवलप्ड फ्रॉम क्रीमिया to Kherson, DPR, LPR, Mariupol, DPR, LPR, Kharkiv and to Russia. उसे ये particular land route चाहिए, जिसका फायदा ये होगा, he will get a complete control on Sea of Azov. तो Azov Sea पे complete control मिलेगा,
तो रशिया के लिए वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट। एट द सेम टाइम व्हेन ही टेक्स कंट्रोल ऑफ खेरसन, उसे ओडिशा में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसे खेरसन मिलेगा तो भी बहुत है। व्हाई? बिकॉज व्हेन ही गेट्स कंट्रोल ऑन खेरसन, सो दैट मींस ब्लैक सी पे ही गेट्स कंट्रोल फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम क्रीमिया एज वेल एज फ्रॉम खेरसन। एट द सेम टाइम टुमोरो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर ओडिशा, दैट वॉन्ट बी अ लॉन्गर रूट और दैट वॉन्ट बी अ वेरी बिग प्लान, इट कैन बी इजिली डन बिकॉज सी द डिस्टेंस बिटवीन खेरसन एंड ओडिशा, सी देयर टोपोग्राफिकल पोजिशन, करेक्ट। सो प्यूटिन्स टारगेट इज नॉट द होल यूक्रेन, प्यूटिन्स टारगेट इज फ्रॉम खार्किव, द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ खार्किव, एलपीआर, डीपीआर, मैरिपोल, खेरसन, सो दैट क्रीमिया के साथ मिलके दिस एंटायर रीजन विल बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रशिया। एंड माइंड यू दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो अ रिच रीजन विथ रिसोर्सेस, मिनरल्स एक्सेट्रा। वॉर्स और ऑफेंसिव्स आर नॉट डन ओनली फॉर मिलिट्री पर्पजेस, वॉर्स आर बेसिकली इकोनॉमी ओरिएंटेड एंड रिमेंबर दैट। तो स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ इकोनॉमी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज अगर सपोज हमारे भारत की अगर बात करेंगे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स ने जो मिस्टेक की है बिकॉज ऑफ विच जो अक्साई चीन अपने हाथ में नहीं है, वो अक्साई चीन हमें चाहिए, वी वॉन्ट तिब्बत टू बी डी कंट्रोल्ड, टू कम आउट ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम चाइना, क्यों? बिकॉज तिब्बत, अक्साई चीन, दीज पर्टिकुलर रीजन्स आर मिनरल रिच रीजन्स, पीओके हमें चाहिए, वो सिर्फ हमारी जिद है और हमारा अहंकार है इसके लिए नहीं, पीओके इज रिच विथ मिनरल्स। अल्टीमेटली हर वॉर का टारगेट ये इकोनॉमी होता है। आप खाली लैंड पार्सल अपने पास लेके क्या करने वाले हो? स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली बोथ इट शुड बी बेनिफिशियल। और लेट मी टेल यू दैट प्रेसिडेंट प्यूटिन इज कंप्लीटली ऑन हिज टारगेट, इज कंप्लीटली ऑन हिज टारगेट। क्रीमिया इज ऑलरेडी एनेक्स्ड एग्जैक्टली एज अ सेंटर बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, राइट? एजोव इज सराउंडेड बाय क्रीमिया, खेरसन, मैरिपोल, डीपीआर एंड वन साइड रशिया। सो वंस ही टेक्स ओवर दिस, रशियन कंट्रोल इज एस्टेब्लिश्ड। लैंड रूट फ्रॉम क्रीमिया टू रशिया इज द रियल टारगेट ऑफ प्रेसिडेंट पुटिन। और अब आपको जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं वो आप देख लीजिए, यही रीजन से जो नियरली रशिया के हाथ में आ चुके हैं, दे हैव लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग डाउन कंप्लीटली। एंड इनफैक्ट इन सम प्लेसेस द यूक्रेनियन फ्लैग्स हैव बीन रिमूव्ड एंड रशियन फ्लैग्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। बातें यहां तक हुई है, लेकिन ये बातें वेस्टर्न मीडिया आपको नहीं बता रही, क्योंकि अगर आपको ये बताया जाए कि रशिया का टारगेट इज नॉट टू टेक ओवर द होल यूक्रेन, देन हाउ कैन यू जस्टिफाई द ह्यूज सेल ऑफ आर्म्स एंड कैशे टू यूक्रेन बाय यूएस एंड बाय अदर कंट्रीज? आपने देखा रहेगा ये पूरे मैटर में सबसे ज्यादा उछल कौन रहा है, जितना प्रेसिडेंट प्यूटिन नहीं उछल रहे, जितना जेलेंस्की नहीं उछल रहा है, उससे ज्यादा तो प्रेसिडेंट बाइडेन एंड यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन उछल रहे। क्यों? बिकॉज यूके इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, दे वॉन्ट ईयू टू कोलैप्स, बिकॉज अगर ईयू कोलैप्स होता है, ईयू के इकोनॉमी की अगर सपोज और बेकार कंडीशन होती है, देन ओनली यूके इज गोइंग टू गेट सम फेवरेबल टर्म्स फ्रॉम ईयू, जहां से उन्होंने ब्रेक्सिट लिया था, करेक्ट। यूएस इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी चलती ही है आर्म्स सेल पे, आर्म्स, फार्मा एंड ऑयल, रशियन माल कम बिके और हमारा माल ज्यादा बिके, इसके लिए ये मैटर है। एंड अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन हैज गॉट
एन इमैच्योर प्रेसिडेंट, जिसे लगता है कि भैया कुछ हेरोइक्स हम लोग सोशल मीडिया में करेंगे, टी शर्ट पहन के घूमेंगे तो आई लुक कूल, आई लुक कॉन्फिडेंट, बट पीपल ऑफ यूक्रेन आर पेइंग प्राइस फॉर दैट. ओके, नाउ दिस इज अबाउट मिलिट्री, दिस इज अबाउट मिलिट्री. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग अलॉन्ग विद द मिलिट्री. मैंने आपको कहा था वॉर्स अगर होते हैं तो वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे नहीं होते, डिप्लोमेसी भी होती है एज वेल एज इकोनॉमी भी होती है, करेक्ट? ब्रीफ में देता हूं बिकॉज दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट राइट नाउ, बट इट इज कनेक्टेड टू आवर सब्जेक्ट वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन यूक्रेन. तो इसके लिए मैं उसका भी आपको एक बैकग्राउंड देता हूं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक वॉर. यूएस ने रशिया पे दुनिया भर के सैंक्शन डाले, करेक्ट? क्या फायदा हो रहा है? फायदा क्या हो रहा है? रशियन रूबल बिफोर प्यूटिन स्टार्टेड मिलिट्री ऑफेंसिव इन यूक्रेन, रशियन रूबल का रेट था फॉर वन यूएस डॉलर अराउंड 82 रूबल्स, फॉर वन यूएसडी 82 रूबल्स. बाद में जब ऑफेंसिव शुरू हुआ, यूएस एंड ईयू ने सैंक्शन डालने शुरू कर दिए, तो इनिशियल जो नीजक रिएक्शन होते हैं वो नीजक रिएक्शन के हिसाब से रूबल का भाव गिरने लगा एंड इट वेंट अप टू 125, 82 से 125 रूबल्स फॉर वन यूएसडी. पीपल थॉट दैट नाउ रशिया इज फिनिश्ड. आज वन यूएसडी इज इक्वल टू 78 रूबल्स. दैट मीन्स रूबल वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड than pre-war level. They say war. That's why I'm using the word pre-war. So pre-military offensive level, jo aapke rubles ka bhav tha, aaj uska appreciation hua hai, rather than depreciation. How is it possible? The world wants to believe you that Putin is screwed. Russian economy is screwed. The sanctions are killing Russia. Am I right? The world wants you to believe that. Then in that case, how is it possible that it has been, the currency is appreciating, correct? तो उसके पीछे बहुत कुछ हुआ है. बाइडेन भाई साहब ने क्या किया? पहली चीज सैंक्शन. अभी यूएस को सैंक्शन खेलने के में बहुत मजा आती है, लेकिन जरा सोचना चाहिए आप खेल किसके साथ रहे हो. यू आर प्लेइंग विद दैट प्रेसिडेंट पुटिन, ही इज यूज्ड टू दीज पर्टिकुलर सैंक्शन राइट फ्रॉम 2014. और 8 साल हाथ पे हाथ धरे बैठने के लिए प्रेसिडेंट पुटिन मतलब कोई इमरान खान नियाजी नहीं है कि मालूम है प्रॉब्लम्स क्या होने वाले हैं, लेकिन फिर भी भैया हम अपनी दुनिया में मस्त है. नहीं, ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डिंग अप द टेक्नोलॉजी, ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डिंग अप द टेक्निक्स. नाउ व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स? आप जरा सोचिए, सबसे पहले सैंक्शन में क्या किया यूएस ने? रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला. व्हाट इज स्विफ्ट सिस्टम? थोड़ी सी आपको आइडिया रहेगी. इट इज नथिंग एल्स बट बेसिकली जैसे अपने आरबीआई का क्लियरेंस होता है, वैसे ही आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स में यूएसडी ट्रांजैक्शन में क्लियरेंस होता है. सो इफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम से रशिया इज रिमूव्ड, करेक्ट? सो दैट मींस रशिया कैन नॉट एक्सेप्ट द पेमेंट्स इन डॉलर्स, रशिया कैन नॉट पे द पेमेंट्स इन डॉलर्स, करेक्ट? तो रशिया को क्या फर्क पड़ा? आपकी जानकारी के लिए, रशिया ने ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट ऑलरेडी बना के रखा था, दैट इज SPFS. आपकी जानकारी के लिए चाइना ने भी बना के रखा है CIPS. और शुक्र मानिए भगवान का कि 2014 में वी ऑल्सो गॉट सम विजनरी लीडर कि जिन्होंने आते आते ये सिस्टम पे काम करना शुरू किया एंड नाउ भारत हैज ऑल्सो मेड SFMS सिस्टम. चाइना का CIPS, रशिया का SPFS, भारत का SFMS. ये तीन सिस्टम्स स्विफ्ट की तरह ही काम करते हैं एंड नॉट नेसेसरली दे हैव टू डील इन डॉलर्स. और ये सिस्टम का फायदा लेके नाउ प्रेसिडेंट पुटिन स्टार्टेड डिफरेंट बायलेटरल डील्स. भारत को ऑफर दी होगी, आपने सबने सुना होगा, भारत को ऑफर है रशियन ऑयल, गैस. हम गैस तो वहां से लेते नहीं, रशियन ऑयल, रूपी रूबल एग्रीमेंट. भारत के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है. Who is bypassed? US dollar. Correct? China के साथ रशिया का डील चालू हुआ है yuan rubles. China के लिए भी अच्छा है, रशिया के लिए भी अच्छा है,
who is bypassed? US dollar. Correct? Mexico doesn't have any problem in paying in rubles. Some of the EU countries who are facing tremendous energy crisis, now they have also started saying, we don't mind paying in rubles. Who is bypassed? US dollar. Turkey, it has already got agreement with Russia. Lira rubles. Who is bypassed? US dollar. Now the things have gone to that extent that even Saudi has started talking about the terms with China that they will establish yuan system, yuan and dirham system. So that means Saudi is now on the verge of signing an agreement with China that it is ready to accept yuans in return of oil for the as payment of oil. So again, who is bypassed? US dollar. Aapne suna hai, US dollar is a global reserve currency. Why is it global reserve currency? Just think of that. Because maximum trade of the world happens in US dollar. And now let me ask you one question, which is the most traded commodity in the world. The most traded commodity in the world is oil. And oil payments are compulsorily made in US dollars. And that is why USD is the global reserve currency. And now taking advantage of this particular conflict, taking advantage of the sanctions, if now President Putin has started bypassing US dollar, you can imagine whose fall has started. It's not the fall of Russia which has started, it's the fall of US dollar which has started. And losing the status of global reserve currency is going to be a nightmare for that particular country, for US. You know why? Because since USD is a reserve global currency, US can print indiscriminate currency whenever they want currency for distribution. Agar recession aata hai, to recession se nikalne ke liye demand badhane ke liye logon ke haath mein paisa pahunchana hai, chapo USD. They can indiscriminately print because that's a global reserve currency. Lekin hume agar suppose Bharat mein, agar paisa dalna hai, to government cannot indiscriminately print rupee. Why? Because it's not a global reserve currency. Usse apna devaluation hoga, but USD pe koi fark nahi padta. Because one USD ke hisab se baki rate decide hote. And if dheere dheere karke, starting with this particular conflict, starting with this particular action of Putin, which is supported by many countries, if USD loses the global reserve currency status, their economy will collapse. It will literally collapse because inflation will reach to next level. Ek simple si baat deta hu. Simple sa example. Maine aapse 1 lakh rupiya loan liya. Theek hai? Mujhe repay karna hai. Mere paas paise nahi hai. मैं 1 लाख रुपया प्रिंट करता हूं और आपको देता हूं, मेरा ऑब्लिगेशन कंप्लीट है, ओके? उस 1 लाख पे मुझे 10,000 इंटरेस्ट देना है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 10,000 रुपीस प्रिंट करता हूं आपको देता हूं, तो नाउ यू टेल मी इफ दिस इज पॉसिबल, इफ दिस इज हैपनिंग, दैट लोन एंड दैट इंटरेस्ट इज इट चीप फॉर मी और इट इज कॉस्टली फॉर मी? It's very cheap, am I right? And this is what US has been doing. Whenever they have to meet any obligations, they can just print currency and pay it. But if it loses the global reserve currency status, will they be able to do that? And if no, in that case, the loans and the interest is going to become so costly that it is going to take inflation to the next level. Already, US is facing inflation to the extent of 8%. Correct? The country which is proud of keeping inflation always around 2% is right now facing 8% inflation. Now just bypass USD and then see to what level that inflation goes. Economic war is already on. Secondly, in latest move, President Putin has connected gold with rubles. He has given permission to Russian Central Bank to buy
gold and the rate has been fixed, that is for 5000 rubles 1 gram gold. So now get ready, as long as what I can see, get ready to get the next news, and which will be a nightmare for US, that is Russia can start asking payment for its resources like oil, gas and other minerals in gold. That means gold connected with rubles. So either you pay me in rubles, you don't have rubles, okay, give me gold. So you can imagine what will happen to US in that case, because rubles will be supported fully by gold and US dollar is not supported by gold or not even any securities. So dekha jaye to there is no much difference between cryptocurrency and US dollar. Cryptocurrency ko bhi koi backing nahi hai, US dollar ko bhi koi backing nahi hai. Farak sirf itna hai, US dollar aap dekh sakte ho, cryptocurrency virtual currency hai. Are you getting it? And in that case, what will happen to US dollar further and US economy further? You can imagine that. This is the economic war which is actually Putin winning in spite of so many sanctions. And third, the diplomacy war. US is losing it badly. EU is losing it badly. Latest example deta hu, jyada dur ki baat nahi. Abhi just right now, there was a vote taken in United Nations General Assembly to suspend Russia from UNHRC, United Nations Human Resource Council. वैसे दुनिया में तीन जोक है, एक जोक है UN, दूसरा जोक है UNHRC, और तीसरा जोक अभी उन्होंने जो पास किया, they suspended Russia from UNHRC. कौन पूछता है उस UNHRC को? कोई औकात? सिलेक्टिवली उनको ह्यूमन राइट्स अब्यूज दिखता है, भारत में दिखता है, यूएस में नहीं दिखता. पाकिस्तान में तो ह्यूमन राइट्स के तो मतलब इतने इज्जत होती है, इतनी इज्जत होती है. चाइना में ह्यूमन राइट्स की, उगर मुस्लिम्स की इतनी इज्जत होती है कि माशाल्लाह क्या बोले. सिर्फ भारत में तकलीफ होती है, सिर्फ यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, यूएस में तो होता ही नहीं है. परसों हमारे दो सिख लोगों पर हमला हुआ, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं था, वो आपसी झगड़ा था. और हमारे यहां पे अगर आपसी झगड़ा होता है तो नहीं, वो ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है. तो उस UNHRC की क्या औकात है? उसमें से रशिया को सस्पेंड किया, बढ़िया है, कोई बात नहीं. वोटिंग हुआ था, मैं सिर्फ हिंट देता हूं आपको, वोटिंग जब हुआ था 93 कंट्रीज सपोर्टेड द मोशन, सेड यस टू सस्पेंड रशिया फ्रॉम UNHRC. 24 countries said no and 58 countries abstained. So 24 no, clear cut no, 58 abstain. Abstain matlab definitely, if it is not a no, but it is definitely not an yes also. Am I right? So against yes. So 24 plus 58 is 82 countries. So when 93 countries supported the motion passed by US, 82 countries were not supporting US on that particular motion. The motion got through, that's not an issue. But are you getting the hint? Pehle kisi ki himmat nahi hoti thi US ke khilaf bolne ki. Aaj 82 countries proudly ya to na ya to गेट लॉस्ट बोलने की ताकत रखते हैं. सऊदी प्रिंस डिंट अटेंड कॉल्स फ्रॉम प्रेसिडेंट बाइडेन. सैंक्शंस डालने के बाद जब प्यूटिन भाई साहब ने रूबल्स की बात की थी अगेंस्ट ऑयल एंड ऑल, तो तभी उसके बाद बाइडेन हैड मेड एन अर्जेंट कॉल टू सऊदी प्रिंस. ही रेफ्यूज टू अटेंड अ कॉल नॉट वंस बट ट्वाइस. बट आफ्टर दैट he definitely had a talk, a telephonic talk with President Putin. What does it show? Israel, which was supposed to be a great friend of US, has started raising its voice against US.
in favor of Russia. Entire Gulf is right now, though they appear neutral, they are not against Russia at all. And the two other main superpowers, China and Bharat. And don't be surprised that if I say Bharat as a superpower, because I am not a fool to have an inferiority complex saying that Bharat is a developing superpower. Sorry, Bharat is no more developing a superpower. Bharat is already a superpower because we are at a center pole on the global politics. The world is moving from bipolar world. The global politics is changing from bipolar world, US and Russia, to multipolar world. And in that particular multipolar world, the basic center pole is Bharat. Okay? So, Bharat and China, they have abstained, they have kept themselves neutral, but with clear indication that if we are neutral, it's 51-49, or you can say 52-48. But 51 or 52, whatever is the case, that is in favor of Russia, not in favor of US and EU. और कल जाके पिछले तीन दिन के टूर पे एस जयशंकर जी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड राजनाथ सिंह जी उन्होंने यूएस में क्या धमाके किए वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एंड यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड एज इंडियन एम आई राइट कि वहां पे जाके जो हिसाब से बोल के आए हैं तो ये हिम्मत हम में है सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू चूज साइड्स चाइना डजंट नीड टू चूज साइड्स मेक्सिको other Venezuelan, Venezuela, other South Latin American countries, they have already showed support in favor of Russia. So on diplomatic front, Biden is not gaining anything. And on the top of it, jiske liye ab ye lafda kiya, ab wo Ukraine ke bhai sab Zelensky, aram se bol rahe, okay, fine, now I'm left with no option, I won't take NATO membership. Or last point, आप अगर सोचोगे कि प्यूटिन ने हाउ व्हाई इज ही टेकिंग सो मच ऑफ टाइम व्हाई इज ही एक्सटेंडिंग दैट ऑफेंसिव टू 52 डेज जल्दी भी तो हो सकता है फटाफट हो सकता है भैया अगर जल्दी करे तो ये नाटो के क्रैक्स डेवलप कैसे होंगे ईयू के क्रैक्स डेवलप कैसे होंगे बाकी डिप्लोमेसी करने को टाइम कब मिलेगा जब सब कुछ स्मूथ रहता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो भैया दोस्त कैसे बनेंगे प्यूटिन इज गोइंग टू स्ट्रेच दिस पर्टिकुलर ऑफेंसिव टिल फर्स्ट वीक ऑफ मे दैट्स व्हाट माय जजमेंट इज बाय फर्स्ट वीक ऑफ मे ही विल फिनिश ऑफ एवरीथिंग विथ एन अग्रीमेंट इन हिज फेवर And lastly, let me tell you one thing. Putin, आपने ये भी पढ़ा रहेगा कितने सारे टैंक्स रशिया के बर्बाद हो चुके कितने सारे सैनिक मारे जा चुके है ना अपने आप से एक बात पूछिए कभी आपने पिक्चर्स देखे रशियन टैंक्स एंड रशियन व्हीकल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन यूक्रेन जरा हो सके तो अपनी पिक्चर्स देखिए भैया 71 और 80s के टैंक्स वगैरह है वो प्यूटिन भाई साहब इज गेटिंग रीड ऑफ इज गार्बेज लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट जो नए उसका जो लेटेस्ट वेपनरीज है अभी तक भाई साहब ने यूज ही नहीं किया है ही इज टेकिंग गेटिंग रीड ऑफ इज गार्बेज एंड टॉकिंग अबाउट द मैन पावर लेट मी टेल यू वन थिंग जैसे भारत के आर्मी में अलग अलग जो बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड ट्रेनिंग एंड बैटल हार्डनेस जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ओके वैसे ही सब जगह होते हैं रशियन आर्मी कम और चेचेन्या के जो उनके वहां की जो लोकल आर्मी है उसके लोग ज्यादा राइट नाउ यूक्रेन ऑफेंसिव में पार्ट ले रहे मैं सिर्फ इतना एग्जाम्पल देता हूं अपनी सीआरपीएफ और अपनी आर्मी इसमें कोई फर्क है कि नहीं है हु इज मोर ट्रेंड आर्मी लेस ट्रेंड बीएसएफ लेस ट्रेंड सीआरपीएफ तो कल अगर सपोज आप पाकिस्तान में
सीआरपीएफ के जवान भेजोगे और आर्मी के जवान भेजोगे, अपना लॉस ऑफ मैन पावर कहां ज्यादा होगा? ज्यादा अपना लॉस ऑफ मैन पावर होगा सीआरपीएफ के साथ, आर्मी के साथ नहीं, बिकॉज दे आर मोर ट्रेंड, हार्ड बैटल ट्रेंड। बस यही फर्क समझ लीजिए, द पीपल द मैन पावर विच इज सेंट बाय प्यूटिन इन यूक्रेन। ओके, सो टू एंड दिस पर्टिकुलर, मतलब एटलीस्ट माय पार्ट, आई विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टर दैट, टू एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट आई विल जस्ट से प्यूटिन हैज प्लेड वेरी स्मार्ट, ही इज नॉट लूजिंग इन रशिया मिलिटरीली ऑन इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल एज ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट। And once this offensive gets over in somewhere in May, so उसके बाद you will realize कि हमने क्या क्या, जो मैंने अभी आज बोला था वो हिसाब से आगे आपके यूएसडी पे, आगे आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या क्या इफेक्ट दिखते हैं। Now, any questions? नमस्ते। नमस्ते। My question is, there were some reports about some biolabs in parts of Ukraine. Yes. So Putin, I think, kind of mentioned it, but he doesn't seem to have really put a lot of emphasis on that. So could you elaborate on that angle? Actually, the thing is that it's a known fact. It's a known fact that US and NATO had established some biolabs in Ukraine. And in fact, it is not yet proved to the extent of 100%, but if you can join the dots, this particular Chinese virus pandemic which we are facing right now, we know that it has been released from Wuhan lab, am I right? But was it made in Wuhan lab? It is being said that this was made in Ukrainian labs and then transported to Wuhan lab to get it released. This is what has been said by some of the people associated with that particular offensive. Biolabs are definitely established in Ukraine, and US had been funding those particular labs, and that is why Russian MOD had already issued statement on that, that once we take control of the entire labs and all these particular, the unit, after going through all the particular records, we will be able to give you a concrete answer. And Ukraine was instructed by US and by NATO to destroy the documentation and the evidences at the earliest before Russian forces reach there. But still, there are certain evidences which are emerging. So we'll have to wait for some more time. We'll have to wait for the official statements, more official statements from Russian MOD, and then only we can comment on that. But yes, 90% probabilities are already seen. Yes, this is a somewhat tangential question, but ever since this crisis began, Western countries, starting with the US, have been trying to pressure India to, say something bad about Russia, condemn it, and so on and so forth. What is the reason behind all of this, and are they doing similar things to, say, China? So basically, US and EU, they have been pressurizing Bharat to take a particular stand and a definite stand in favor of US and EU. Okay. But the question is that Bharat has been taking a very balanced stand, because the reason why I gave you the background says that basically this issue wouldn't have been escalated. It shouldn't have been escalated. There were no reason for it to get escalated. Why? Because there was a simple term and simple understanding. Putin had been demanding that Ukraine doesn't take NATO membership. He never said that I don't want them to take EU membership. EU is an economic assistance, whereas NATO is a military alliance. So it was only about Ukraine not joining NATO. And this particular thing was never clearly said by President Zelensky on behalf of Ukraine, as well as by President Biden on behalf of US, or by the NATO collective leadership. And the matter escalated because of that. So, ek baat aisi hai ki taali dono haathon se bajti hai, ek haath se nahi. Am I right?
तो अगर सपोज ताली बजने के बाद जब आवाज आ रही है तो हम किसी एक हाथ को ब्लेम क्यों करें? एक हाथ से बजता है, वो चाटा होता है, वो स्लैप होता है, वो ताली नहीं होती. एंड इफ समवन इज स्लैपिंग समवन, डेफिनेटली वी विल कंडेम दैट. बट इफ दिस इज अ क्लैप विच इज बीइंग रेज्ड बिकॉज ऑफ एक्शन और इनएक्शन ऑफ टू हैंड्स, व्हाई शुड वी चूज अ साइड एंड कंडेम ओनली रशिया? एंड इवन टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, अभी जो बीच में आपने बुका का वगैरह सुना रहेगा, इवन देयर हैव बीन सो मेनी क्वेश्चंस रेज्ड दैट हु वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेकर ऑफ द सिविलियंस. देयर आर नो कंफर्म रिपोर्ट्स. डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एवरी वर्ड इज वेरी माइन्यूटली टू बी ऑब्जर्व. बुका दैट मैसेकर एंड ऑल यू मस्ट हैव हर्ड, आफ्टर दैट भारत स्टेटमेंट वॉज वी डिमांड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी. We demand an independent inquiry. That means we are not going to trust only what US is saying. We are not going to trust only what Russia is saying. But we want independent inquiry. But that means we are not giving any, what we say, accusation on Russia without verifying. US wants Bharat to buy more arms, oil, keeping Russia aside. US doesn't want Bharat to be aligned with Russia. It wants us to take out of the clutches of Russia. China doesn't have any option right now. US also knows that. China is at loggerheads with US. China is at loggerheads with EU. It doesn't have option right now. So China siding with Russia is but natural. And that is what US wants, that Russia, China, even if they come together, if Bharat is on their side, that is on US side, then US can easily meet this formidable challenge. And that is why they are pressuring us that we should take a stand, we should condemn Russia, and we should stand with EU and US. But we are not inclined to do that, and we won't do that, because usme hamara koi fayda nahi hai. Okay? So there is a question in the chat box. How will this military offensive affect the Quad? Basically, to be honest, Quad is US, Japan, Australia, and Bharat, which have got interdependent relationships and interest. Now, if you see carefully, Japan's main threat is China. US main threat is China. Australia's main threat is China, and Bharat's main threat is China. So the interests are interconnected. So this particular conflict will not have any effect on Quad. Uska ek example ye bhi main aapko deta hu. Ye conflict jab shuru hua tha, offensive jab shuru hua tha, uske baad the Quad members had a meeting, and the meeting was attended by the heads of the states, President Biden, PM Modi ji, Scott Morrison, Australian PM, and Japanese PM. All the state heads were participating in that. After that, there was one joint statement to be issued. And in that joint statement, at the insistence of Bharat, the mention of Russian offensive in Ukraine was kept out. That means this Ukraine offensive was not made a part of that joint statement. And that was the real power or the importance of Bharat in Quad. Because Australia, Japan, and US have already taken an open stand against Russia in this offensive. Bharat is not taking any stand. We have abstained ourselves, but slight inclination towards Russia. And in spite of that, if one member can get other three members agree that mentioning this particular offensive or conflict in the joint statement will not be tolerated by us, it is against our policy. And if these three members have to listen to one member, so you can imagine the importance of Bharat. So I don't think that Quad will be affected by this particular conflict. How much do you think Bharat will ramp up Russian oil purchases? Bharat will not go for much of it. We won't ramp up to a great extent because, to be honest, Russian oil is not up to the standard with which we are used to. Our plants are basically used to the higher level oil. There are two type of oil. One is Uber oil and second is Brent oil. Okay?
we have been importing mainly Brent crude oil from Gulf, from US, etc. And Russian oil is basically Uber oil. This बोलते हैं ना 19-20 का फर्क होता है. इफ ब्रेंट ऑयल इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, उबर ऑयल थोड़ा सा कम रहता है. सो व्हेन यू टेक उबर ऑयल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लाइकली टू इंक्रीज व्हेन वी कन्वर्ट दैट इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. एंड अनलेस एंड अंटिल दैट रूबल्स एंड रूपी मैकेनिज्म स्टार्ट्स वर्किंग, अनलेस एंड अंटिल द डिस्काउंट्स व्हिच वी आर गेटिंग आर ह्यूज इनफ टू कवर दैट पर्टिकुलर इंक्रीज इन कॉस्ट, टिल दैट टाइम वी विल इंक्रीज द purchases, will increase the demand, but we won't escalate it very much. That is what my observation is. Another question, considering the actions taken by Russia and the consequences that have taken place, does this raise the probability of China invading Taiwan? And if yes, how does it affect Bharat? I don't think actually China will dare to invade Taiwan right now. If it wanted, it would have done that immediately after Russia entering Ukraine. When they saw the ding-dangling position of the NATO members over Ukraine, at that time China would have definitely entered Taiwan if it wanted to. But it didn't dare because of one reason, that is Japan. China is more worried about Japan. It is more scared of Japan rather than Australia, US or Bharat. The simple reason is that if China enters Taiwan, that's going to affect that South Pacific Ocean and all, that area, okay, South China Sea. And Japanese submarines are the fastest one to reach there to take any retaliatory action. Bharat ki Navy pahunche ya Bharat ki Air Force pahunche, army pahuncha to bahut hi dur ki baat hui, that's not possible only. ऑस्ट्रेलियन नेवी पहुंचे या एयरफोर्स पहुंचे, यूएस नेवी पहुंचे या एयरफोर्स पहुंचे, उसके पहले जापान, दैट इज द ओनली कंट्री विच हैज द पावर टू इमीडिएटली कम इन बिटवीन एंड स्टॉप द, और कैन से दे टेक द रिटेलिएटरी एक्शन. एंड चाइना इज स्केयर्ड ऑफ जापान बिकॉज दो जापान हैज नॉट बीन अ मिलिट्री स्टेट एट सच, दैट डजंट मीन दैट दे डोंट हैव द डिफेंस कैपेबिलिटीज. एंड चाइना वेरी वेल नोज दैट द बेस्ट काइंड ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स आर not with Russia, not with US, but with Japan. And that is why I don't see that as an immediate threat right now. Definitely, they must be having this in their mind because anyways, that's an expansionist state. But I don't think it will happen anytime soon. My question is that you are saying that in Ruble, mein Russia and Bharat, the Indian Ruble mein deal ki baat chal rahi hai. Abhi, sir, 14 April, ko, हमारे भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे बयान दिया है कि हम इंडियन रुपीज और रूबल में डील नहीं करेंगे. तो उसका मतलब ये है कि अभी जो यूएसए में हमारी जो 2x2 की मीटिंग चल रही है उसका प्रेशर के हिसाब से वो नहीं करेंगे, या फिर अभी ये स्टेटमेंट का वो उसका देने का वो क्या है? ओके, उनका स्टेटमेंट ये है भारत रशिया से ऑयल रूपी रूबल में नहीं लेगा, करेक्ट? देखिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो मैं बोलता हूं वो ध्यान से सुनिए, उसका कारण यही है. भारत रशिया से ऑयल रूपी रूबल एग्रीमेंट में नहीं लेगा, करेक्ट? लेकिन भैया, अभी हम लोग रशिया से ऑयल ले ही कहां रहे हैं? आपने ये भी सुना रहेगा, सेम फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने यह भी न्यूज दी थी कि 3 मिलियन बैरल्स इंडियन ऑयल ने परचेस किए, बाकी 2 मिलियन बैरल्स उसके बाद 1 मिलियन बैरल्स और अपने दो इंडियन कंपनीज ने परचेस किए और उसका पेमेंट रूपी में किया जाएगा. तो अब कंपनीज पेमेंट कर रहे हैं रूपी में, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आ रहा है. अब वही फाइनेंशियल एक्सप्रेस बोल रहे हैं कि भारत रूपी रूबल में नहीं लेगा रशिया से, तो ये क्या गेम है? क्योंकि ये जो ऑर्डर पहले भी प्लेस की हुई है वो रशिया को नहीं दी है, वो उन स्टॉकिस्ट को दी है जो रशियन ऑयल रखते हैं. Are you getting it? अभी आपका अगर सपोज कोई बिजनेस है, ठीक है, मैं आपसे अगर डायरेक्टली लूं तो ट्रांजेक्शन आपके और मेरे बीच में है, बराबर? तो मैं बोलूंगा मैंने मुरलीधर जी को पेमेंट किया रुपीज में, राइट? लेकिन आप जिसके पास स्टॉक रखते हो, जो स्टॉकिस्ट आपका है, मैं अगर उसके पास से लूंगा तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैंने मुरलीधर जी से माल लिया है.
ये डिफरेंस है कि हम रूपी रूबल आगे करेंगे. अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि डायरेक्टली डायरेक्टली विथ फ्रॉम रशिया परचेज करने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्टली फ्रॉम रशिया परचेज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने बैंकिंग मैकेनिज्म सेट करने पड़ेंगे. जो राइट नाउ बात चल रही है अलॉन्ग विथ SBI एंड यूको बैंक, एक बार वो मैकेनिज्म सेट हो गया फिर हम डायरेक्ट रशिया से मतलब प्यूटिन से ऑयल ले सकते हैं. टिल दैट टाइम हम लोग उनके स्टॉकिस्ट से ले रहे हैं. तो अपने मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है कि हम रशिया से नहीं ले रहे. सही बात है, नहीं ले रहे, हम स्टॉकिस्ट से ले रहे. अब इस चीज का मतलब अगर यूएस समझ पाए तो अच्छी बात है, वरना जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी उनको बोल के तो आई है, भैया नेशन फर्स्ट, एवरी कंट्री हैज गॉट राइट टू थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट एंड भारत विल ऑल्सो डू द सेम. वो तो जवाब हमने क्लियर दिया ही है. What are Bharat's plans to ramp up exports as you had written on a thread in Twitter as well? मुझे लगता है कि he was talking about wheat and all. I think he must be talking about wheat and all. Wheat के अपने exports definitely बढ़े हैं because world में maximum food supply, wheat supplier used to come from Ukraine. और यूक्रेन में राइट नाउ जो सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दैट द वर्ल्ड फूड चेन हैज बीन डिस्टर्ब. एंड इसकी वजह से अब मोदी जी ने ये यूनाइटेड नेशन को बोल के रखा है कि भैया वो जो WTO एग्रीमेंट्स वगैरह जो आपने बना के रखे है तो उसमें आप अगर सपोज अलाउ करते हो फॉर अस टू इंक्रीज द सप्लाई, हम लोग करने के लिए तैयार है, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू बी फ्री. अभी लेटेस्ट जो है हमने एग्रीमेंट की है इजिप्ट से. इजिप्ट हैज ऑलरेडी अग्रीड, अभी पहले शुरुआत हम लोग वहां से कर रहे हैं. बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू रिप्लेस यूक्रेन एज द फूड बाउल ऑफ द वर्ल्ड. अगर ये एक्सपोर्ट्स की बात है तो हाँ मैंने की थी और डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे. फूड एक्सपोर्ट्स में अभी हम लोग बहुत आगे जा रहे. सर, इट वॉज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी आइटम्स एज रशिया इज फेसिंग सैंक्शंस फ्रॉम वेस्ट एंड EU. मेरा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, फेक न्यूज की. तो अभी हम व्हाट विल वी टॉक अबाउट फेक न्यूज, हमारा न्यूज प्रिंट ही रशिया से आ रहा था एंड द शिपिंग कंपनीज आर नॉट गेटिंग इट नाउ. बराबर है. तो बेसिकली अभी कैसा है ना कि डेफिनेटली अभी एक बात आप देखिए, रशिया के एक्सपोर्ट्स पहले से कभी भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में इतने ज्यादा नहीं है. रशिया के एक्सपोर्ट्स आर बेसिकली इन मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एट द सेम टाइम आर्म्स, एम्युनिशन एक्सेट्रा. तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में उनका पहले से इतना कुछ होल्ड था नहीं. हाँ, तो जो कुछ भी अभी राइट नाउ लॉजिस्टिकल चेंज जो डिस्टर्ब हुए हैं, इट विल टेक टाइम. एंड उस वक्त अपने पास डेफिनेटली ये वक्त है टू बिल्ड अप आवर स्ट्रेंथ एंड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स. एंड मेरे हिसाब से मोदी जी ने जो PLI स्कीम लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो जिसकी वजह से अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है एंड दैट कैन बी सीन इन द रिसेंट एक्सपोर्ट्स आल्सो. और एक्सपोर्ट्स हैव टच्ड अराउंड सम 648 बिलियन और समथिंग, जो पहली बार ऐसा हुआ है. तो सर्विस इंडस्ट्री बोलिए, मैन्युफैक्चर्ड बोलिए, डेफिनेटली अपने एक्सपोर्ट्स तो बढ़ने वाले ही हैं, नो डाउट अबाउट इट. एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली वी ट्राइंग टू टेक ओवर द रशियन दोस पर्टिकुलर मार्केट जहां पे रशिया का माल जाता था. इट्स हैपनिंग ओवरऑल विद ऑल द पर्टिकुलर कंट्रीज. वी आर इन कॉम्पिटिशन विद एवरी वन, नॉट विद एनी वन कंट्री. But I can definitely see things moving in the positive direction. और इसका एक क्रेडिट तो मैं मतलब एक ऐसे बंदे को देना चाहूंगा कि जिनका नाम अभी तक आया नहीं है इसके पीछे, and that is Minister Piyush Goyal. As Trade and Commerce Industry Minister, he has done a great job. Great job. A question from Gauri: What is the future of US economy for general public there, especially for people of Indian origin? To be honest. भारत के जितने लोग राइट नाउ यूएस में हैं, वो अपने मटेरियल गेन के लिए हैं. सो उन्होंने उनको अपने भारत के लिए क्या सचमुच लगता है क्या नहीं लगता है, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न. दे आर देयर फॉर मटेरियल गेन्स. वन थिंग इज श्योर, यूएस इज हेडेड टुवर्ड्स नॉट सच अ गुड टाइम. डेफिनेटली यूएस इज हेडेड टुवर्ड्स समथिंग, व्हाट यू से, रिसेशन. आने वाले समय में वो कभी भी उनको महसूस हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम इफ एज आई एम सीइंग द थिंग्स हैपनिंग, इफ यूएसडी इज, यूएस डॉलर इज रिप्लेस्ड एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी स्काई हाई. सेकेंडली, यूएस इज नॉट अ सेविंग्स ओरिएंटेड इकोनॉमी बट क्रेडिट ओरिएंटेड इकोनॉमी. सो बिकॉज ऑफ दैट, मीटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट इज वाई अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स यूएस स्टॉक में हैं
So it's better you withdraw those investments at the earliest, because US stock market is headed towards a great fall. That is what my anticipation is. Sir, सवाल मेरा ये है, क्या ये जो हम रशिया यूक्रेन और पूरे वर्ल्ड में भी जो देख रहे हैं और जो शिफ्ट ऑफ पावर हम कह रहे हैं, क्या हम यहाँ से अखंड भारत की तरफ जा सकते हैं, जो हम पीओके की बात करते हैं? Is this going to affect there? Definitely. Definitely. So that's the only dream. लेकिन अखंड भारत जैसे पहले था, जैसे अखंड भारत पहले था, अब उस तरह से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता. क्योंकि अखंड भारत में पहले पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सिर्फ पीओके नहीं. बराबर, पीओके तो हमें चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू मेक दैट एज पार्ट ऑफ भारत 100%. लेकिन पाकिस्तान, अगर कल वो बोलेंगे हमें भारत में लो, तो भी आई डोंट थिंक PM Modi will ever think of doing that. Nahi, because that's going to be a liability. Liability in the sense, unki economy apne economy ko kitna barbaad kar degi, aap soch sakte ho. To aise waqt pe ek baat yaad rakhiye, aaj ki tarikh mein, you don't own a country only by holding the geographical land of that country. किसी देश को अपने अंडर रखने का तरीका होता है उसकी इकोनॉमी अपने हाथ में लो. तो अगर सपोज हम जभी भी, अगर सपोज नहीं, जाने वाले तो है ही, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मूव अहेड इन दैट डायरेक्शन. जब हम लोग पीओके के लिए जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तभी पीओके लेने की खुशी में एक अलग से केक कटिंग की जाएगी, और वो केक कटिंग होगी कहीं अपने बाजू में, और उस केक के 3 टुकड़े बनाए जाएंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है, और उनकी इकोनॉमी हमेशा अपने हाथ में रखी जाएगी. तो हम उन्हें इकोनॉमिक गुलाम बना के रखेंगे. इट्स लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था, कि भैया अगर कुछ लफड़ा हुआ तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे द मनी बैक टू द डिपॉजिट होल्डर्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पगार, बैंक वालों के पगार मैं पे करूंगी. अपना धंधा खुद चलाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम बैठे, और इसलिए वो प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम अपने ऐसे कुछ कंट्रोल्स यूज करेंगे कि वो देश भले देश के हिसाब से आपके वर्ल्ड मैप पे दिखता होगा, लेकिन गुलाम अपना होगा. अखंड भारत का अब वो पोजीशन हो सकती है, कंप्लीटली उनको एनमा से अपने पास लेना, दैट्स नॉट पॉसिबल, और वो करना भी नहीं चाहिए, डेफिनेटली नॉट. सर मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपको लगता है चीन पर दबाव बनाने की बजाय रूस पर ही दबाव बनाते रह गए जो बाइडन, और इससे पहले ट्रंप जब राष्ट्रपति थे वो तो खुलेआम वुहान वायरस बोलते थे, और चाइना, WHO, तो रूस पर ही दबाव बनाते रह गए जो बाइडन, और नो कंट्री, कोई भी देश अपने आसपास इनसर्कलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा. जिस तरीके से यूक्रेन नाटो का था, रूस को एक पूरा इनसर्कल कर लिया, तो कोई भी कंट्री इनसर्कलमेंट को अपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो क्या चाइना पर दबाव बनाना था? अब आपने एक ऐसी बात छेड़ी है, आपको शायद पता होगा कि ट्रंप और नहीं, ये तो आपको पता ही है कि ट्रंप एंड बाइडेन, दे आर टोटली टू डिफरेंट पोल्स. बाइडेन चाइना के ऊपर दबाव कभी नहीं बढ़ाते, ना बढ़ाएंगे. आज भी जो उनके चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट्स आते हैं, वो सिर्फ वही चीज है कि मैं मारने की एक्टिंग करता हूं, आप चिल्लाने की एक्टिंग करो. वो चाइना के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे क्यों, जब उनका जो बेटा है हंटर बाइडेन, उसके मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना में लगे हुए. इनफैक्ट व्हेन ओबामा वाज़ द प्रेसिडेंट एंड बाइडेन वाज़ द वाइस प्रेसिडेंट, उस वक्त अगर आपको याद रहेगा तो कितने सारे डील्स इनके चाइना के साथ हुए थे, एंड दैट आल्सो थ्रू द कंपनीज ओन्ड बाय हंटर बाइडेन. अच्छा, दूसरी चीज अगर आपको याद रहेगा तो ये ट्रंप भाई साहब जब अपने US प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त एक पर्टिकुलर मैटर में उन्होंने हंटर बाइडेन एंड जो बाइडेन की इंक्वायरी निकाली थी, और उस वक्त अगर आपने सुना रहेगा कुछ ऐसा एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी
कुछ टेप्स ऐसे बाहर आए थे, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बाहर आए थे जिसमें ट्रम्प वॉज प्रेशरिंग द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट टू गिव द डिटेल्स ऑफ द डील विच यूक्रेन हैज डन विथ यूएस वेन बाइडेन वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड हंटर बाइडेन के कंपनी के थ्रू. आपने सुना मैंने कौन से देश की बात की? मैंने बात की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की. मतलब इन शॉर्ट ये बाइडेन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ बहुत पहले से चलते थे एज वेल एज चाइना के साथ. तो आप ये एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि यूएस चाइना पे प्रेशर डालेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा आपको, ये पूरा का पूरा गेम राइट नाउ इससे बेनिफिट किसे हो रहा है? इससे बेनिफिट हो रहा है एक लॉबी को जो है ऑयल लॉबी, फार्मा लॉबी एंड आर्म्स लॉबी. इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितने लोगों ने, सॉरी कितने देशों ने अपने आर्म्स यूक्रेन को बेचने के नाम पे सब तमाशा किया. यूके दे रही है, यूएस दे रही है, बराबर है. ये जो पर्टिकुलर आर्म्स दे रहे हैं क्या ये आर्म्स फ्री में दे रहे हैं? डेफिनेटली नॉट. दे वांट समथिंग इन रिटर्न, इफ नॉट राइट नाउ मे बी लेटर. आप जरा सोचे दुनिया में अगर सब जगह पे शांति होगी तो आर्म्स लॉबी चलेगी कैसे? एंड इफ यू आर कंपेयरिंग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो लेट मी रिमाइंड यू कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट इन लास्ट 28 इयर्स हु हैज नॉट स्टार्टेड अ वॉर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो ही वाज एक्चुअली किलिंग द आर्म्स लॉबी. ट्रम्प की वजह से आर्म्स लॉबी का बहुत नुकसान हो रहा था बिकॉज ये भाई साहब कहीं वॉर ही नहीं शुरू कर रहे थे ना कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर रहे थे. इनफैक्ट ही ट्राइड टू सेटल डाउन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. सीरिया में थिंग्स वाज रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल, इराक में से थिंग्स वाज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, अफगानिस्तान में से विड्रॉवल की बातें शुरू हो गई थी, करेक्ट. तो जब कहां पे, जब पूरी दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है तो आर्म्स लॉबी कमाएगी कहां से? सो व्हेन ट्रंप लॉस्ट द इलेक्शन एंड बाइडेन केम, डेमोक्रेट्स आर ऑलवेज द एजेंट्स इन द हैंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉबी. कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट चाहिए था, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया. अदरवाइज आप मुझे सिंपल सी एक बात इतनी बताइए, एक एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है. एक एग्जाम्पल, मैं अगर किसी लड़की को प्रपोज करता हूं शादी के लिए, भैया हाँ बोल या तो ना बोल, सोचती हूं करके मत बोल कि तेरी चक्कर में ब्रह्मचारी बन के रह जाऊं. और अगर नहीं, फिर मैं अगर सपोज दूसरी कोई लड़की पसंद करता हूं तो यह मत बोलना कि मुझे धोखा दिया. सो इट वॉज जस्ट सेइंग यस और नो, बट डेलिबरेटली दे कीप डिंग डैंगलिंग विद दैट. दैट्स अ सिंपल थिंग. ऑलवेज टारगेट वॉज रशिया, चाइना इज नेवर द टारगेट एटलीस्ट फॉर बाइडेन. इसके लिए हमें 2024 तक रुकना पड़ेगा व्हेन एंड इफ ट्रम्प भाई सब कम्स बैक. Somebody is asking about Islamization, somebody is asking will there be a nuclear war, and my take is that there is also a viewpoint that Pakistan will not merge into India but it will break into different small factions which will all owe allegiance to India, like Sindhu Desh and all will owe That's allegiance to India. That's what I said, that it, there is no point in we accepting Pakistan as a country, as a part of Bharat, no way. That's going to be a big liability. तो मैंने जो हिंट दी थी कि जब हम पीओके लेंगे तो हो सकता है हम साइड में केक कटिंग करेंगे जिसके तीन टुकड़े होंगे, एंड दैट वाज दैट हिंट. इट मे बी सिंध, पंजाब एंड बलूचिस्तान. सिंपल. विल यूक्रेन एवर बी अ पार्ट ऑफ नेटो नाउ? नो, पुतिन विल नेवर अलाउ दैट. सिंपल. इफ पुतिन अलाउज दैट देन व्हाई द हेल डिड ही डू ऑल दीस पर्टिकुलर थिंग्स? ये मेहनत ही क्यों करते? ही विल नॉट अलाउ दैट. अभी भी जब पुतिन एंड ज़ेलेंस्की व्हेन दे विल मीट, तो मतलब उसके पहले जो उनके एग्रीमेंट्स होंगे, जो टॉक्स अभी फाइनल लेवल पे जाएंगे, तो उसमें मेन कंडीशन रशिया की तरफ से यही होगी. बेसिकली थ्री फोर कंडीशंस. वन, यूक्रेन विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ नेटो. सेकंड, यूक्रेन विल बी अ डीमिलिटराइज्ड स्टेट विद सिक्योरिटी गारंटीज विद अदर फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट्स नॉट एन इश्यू. थर्ड, क्रीमिया इज अनडिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ रशिया. So Ukraine agreeing that Crimea is part of Russia. And lastly, DPR and LPR are separate countries. DPR and LPR are separate countries. That means they are no more part of Ukraine. Basically, Putin will focus on these four conditions. At the most settlement, ye ho jayegi. No membership of NATO. Demilitarized Ukraine with security guarantees from other countries. Crimea definitely as part of Russia. DPR एंड LPR चलो देखते हैं बाद में,
we will take a referendum and we'll decide. And whenever that referendum is taken, it's definitely going to be out from Ukraine, because these two particular regions have majority population from Russia itself. They are Russian natives with close ethnic ties with Russia. Torpedo missile sunk Russian flagship Black Sea fleet ship. Your comments? Basically, this has been claimed by Ukraine. This has been claimed by Ukraine that we had fired a missile, because of that the Russian warship had sunk. Just today morning, I read a statement from NATO, that some military general of NATO, that we are not authenticating what Ukraine is saying, but at the same time, we cannot deny the possibility. So that means, again, it's not a confirmation that it has happened because of missile strike by Ukraine. And this is what has been called as media narratives. आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूं कि यहां पे बैठ के अखिलेश यादव भी तो सपने में मुख्यमंत्री बन चुके थे और राहुल गांधी तो अपने अभी तक प्राइम मिनिस्टर बन ही चुके हैं. तो बोलने में क्या जाता है? इफ समथिंग हैज हैपेंड, ओके मैंने किया, फाइन. रिपोर्ट्स ये थे, पहले इनिशियल रिपोर्ट्स ये थे कि वहां पे आग लगी थी. देयर वाज सम पर्टिकुलर फायर और डिवास्टेटिंग फायर ऑन द डेक which got spreaded over that particular entire vessel. Uske baad wo aag bujhai gayi, and then when that vessel was being towed back to Russian port, to tabhi wo beech mein doob gaya. Now, aag kyun lagi? To do din ke baad Zelensky bhai sahab bolte, humne missile daaga, iske liye aag lagi, which is not yet supported by NATO also, which is not yet rejected by NATO also, and Russia has outrightly disclaimed that. To abhi matter ye hai. So we cannot definitely say ki actually क्या हुआ है till the time we get official confirmations. सर आप prediction बहुत बढ़िया करते हो, तो सर एक prediction आपका ये चाहिए जानना है कि next जो BRICS का summit होने वाला है हमारा, उसमें आप क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? BRICS summit जो चाइना में scheduled है, बराबर? मेरे हिसाब से नहीं, unless and until चाइना कुछ ऐसी गोल्डन व्हाट वी से ब्रांच अगर हमारे हाथ में दे, तब तक मेरे हिसाब से मोदी जी नहीं जाएंगे. मोदी जी सबटल मैसेजेस देने में बहुत एक्सपर्ट है, और वो सबटल मैसेजेस में ही मेन आपका कंटेंट छुपा हुआ रहता है. तो राइट नाउ जब तक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब राइट नाउ जो डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज आर्मी, भारत की आर्मी इन दैट गालवान रीजन एंड एंटायर अपना जो जहां पे अपना डिस्प्यूट अभी राइट नाउ चालू है, तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता, आई डोंट थिंक मोदी जी कोई भी ऑलिव ब्रांच चाइना को ऑफर करेंगे. हाँ, हम ट्रेड बंद नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन कल अगर वक्त आएगा यूएसडी को साइड लाइन करने का, तो हम उस वक्त रशिया के साथ हाथ मिला के चाइना के थ्रू काम कराने के लिए तैयार है. सो भारत चाइना डायरेक्टली कुछ नहीं होगा. हाँ, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ब्रिक्स ये जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो न टूटे, ये भी हम डेफिनेटली इंश्योर करेंगे. बट आई डोंट थिंक दैट अनलेस एंड टिल सम बिग गोल्डन ब्रांच इज ऑफर्ड बाय चाइना, तब तक मोदी जी खुद जाएंगे. अभी तक तो मैंने ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं सुना है. सर और भी बहुत सारे भविष्यवाणी वाले क्वेश्चंस हैं. रितेश जी पूछ रहे हैं न्यूक्लियर वॉर फिर से होगा कि नहीं. अब उन्होंने दोबारा से पूछा कि आर वी हेडेड टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर. देन समबडी एल्स इज आस्किंग कि भारत विश्व गुरु बनने के बारे में आपका क्या कहना है, वो हो सकता है या हम सेंटर पोल ही बने रहेंगे जैसे आपने मेंशन किया. और तीसरा कोई कहता है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में आपका क्या विचार है. और चौथा है इज नेटो गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड. सबसे पहली चीज थर्ड वर्ल्ड वॉर, देखे होना तो है कभी ना कभी, बट वो कहां से शुरू होगा, किस इशू पे शुरू होगा, वी कांट से दैट. वो थर्ड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर होगा कि नहीं, उसकी गारंटी हम कैसे दे सकते हैं जब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बेवकूफ लीडर्स अलग अलग देशों के बैठे हुए. अब देखिए, एक बात है कि प्यूटिन ने ऑफेंसिव शुरू किया, लेकिन प्यूटिन इज सेंसिबल इनफ नॉट टू स्टार्ट इन न्यूक्लियर वॉर. कल चाइना की अगर बात करेंगे तो चाइना का मुझे नहीं लगता कि झाई कभी भी ऐसी बेवकूफी करेगा कि करेंगे कि न्यूक्लियर वॉर, कोई एक दो मिसाइल डाल देंगे, नहीं. लेकिन मैं ये चीज उन आईएसआई वालों के बारे में नहीं बोल सकता भैया, मैं ये चीज तालिबान वालों के बारे में नहीं बोल सकता. मैं सीरिया के बारे में बोल सकता हूँ कि असद इतना अकलमंद है कि वो ऐसा कांड नहीं करेगा,
लेकिन आई कॉन्ट गिव दैट गारंटी फॉर तालिबान, आई कॉन्ट गिव दैट गारंटी फॉर पाकिस्तान. आप समझ लीजिए इसराइल में इतनी अक्ल है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं दागेगा, लेकिन ईरान क्या करेगा, वी कांट से. हाँ, लेकिन एक बात है कि जो होगा ना वो किसी एक ही देश में एक ही मिसाइल का होगा, बिकॉज उसके बाद फिर वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के लाइन पे आएगा. बिकॉज एवरी कंट्री हैज टू फॉरगेट अबाउट देयर अलायंस एंड हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री जिसने पहली बार न्यूक्लियर अटैक किया. ये एक सिंपल सी बात है. अच्छा, दूसरी चीज, हम विश्व गुरु बनेंगे या नहीं, सवाल यह आता है कि क्या आप ये देख नहीं रहे हो कि हम बनते हुए उभर रहे हैं. सी, थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड इन वन सिंगल नाइट. आज तक भारत की जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी थी वो हमेशा ना घर की ना घाट की इस तरह की थी. हमने कभी भी बैलेंसिंग करने का प्रयास ही नहीं किया, ना कभी कोशिश की. या तो हम यूएस की गोद में जाके बैठने की कोशिश करते, या तो हम रशिया की गोद में जाके बैठने की कोशिश करते, और उसमें भी ज्यादा रशिया. अब वो रशिया के साथ रिलेशन कब से डेवलप हुए, दैट वाज राइट फ्रॉम 1971. मतलब 1947 में अगर आपको याद रहेगा तो यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री व्हिच हैड गिवन इनविटेशन टू जवाहरलाल नेहरू जी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत टू कम ऑन ऑफिशियल टूर, व्हिच ही रिजेक्टेड एंड ही वेंट टू रशिया. तो तब से ये चीज हुई कि हमने रशियन साइड चूज की, तो यूएस ने पाकिस्तान चूज किया. बस तो बातें ऐसे है कि आज पहली बार हम लोग बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, आज पहली बार हम लोग नए ग्लोबल एक्सिस डेवलप कर रहे हैं, ऐसे ग्लोबल एक्सिस जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं है. आज हम लोग चाइना की पॉलिसी को काउंटर करने के लिए स्टिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं. तो मतलब इन शॉर्ट हम डेफिनेटली उस दिशा में जा रहे हैं. आज हम लोग पूरी दुनिया की फार्मेसी बनने के पोजिशन में आ चुके. इसके पहले हम लोग फार्मास के लिए, मेडिसिन के लिए जो कुछ भी रॉ मटेरियल सकते थे उसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थे. आज हमने वो मेडिसिन के जो रॉ मटेरियल से वो तक बनाने शुरू कर दिए. तो वी आर डेवलपिंग एज अ वर्ल्ड फार्मेसी, वी आर ट्राइंग टू डेवलप आवरसेल्फ एज अ फूड बाउल ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद आर्म्स का एक्सपोर्ट हमने चालू कर दिया है. सो धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी बाहर पे कम, और अपने यहां से हम लोग वी आर ट्राइंग टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. तो ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंसी है और उसको ही देखते हुए आज कोई भी देश हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ भारत हैज परफेक्टली स्टार्टेड रियलाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस. हम, मुझे याद है 2014 के इलेक्शन के पहले टाइम्स नाउ पे, व्हेन अर्नब वाज ऑन टाइम्स नाउ, तो तभी उस अर्नब गोस्वामी ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया था बिफोर द इलेक्शन. तभी उनको पूछा था, भैया आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर, 12 साल से गुजरात के बाहर तो गए नहीं आप, तो आपको अक्कल तो नाम की कुछ है, चीज है नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे मैनेज करेंगे आप? हाउ विल यू मैनेज एक्सटर्नल अफेयर्स, आपको तो कुछ पता भी नहीं है, दूसरे देश तो आपको वीसा तक नहीं देते, तो हाउ विल यू मैनेज एक्सटर्नल अफेयर इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने बोला, दो चीजों का जवाब देता हूं. एक, पहली चीज, मुझे कोई वीसा नहीं देता, ठीक है, लेकिन क्या आपने ये पूछा मैंने वीसा के लिए अप्लाई किया था? भैया मैंने अप्लाई किया होता और आप नहीं देते तो समझने की बात है. वन. सेकेंड, रिगार्डिंग फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, आज जो हम देख रहे उसका रीजन और वो चीज इस जवाब में छुपी हुई है. उन्होंने तब जवाब दिया था, हमारी परराष्ट्र नीति बहुत साफ होगी, हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, हम किसी से आंख झुका के बात नहीं करेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे. ना आंख दिखाऊंगा, ना आंख झुकाऊंगा, आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा. और एग्जैक्टली आज वही हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन. सेंटर पोल का मतलब ही होता है कि पूरी दुनिया आपसे कनेक्टेड होती है. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. थैंक यू. नमस्ते.